प्रश्न निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा हर्ष काल के बाद के स्रोतों में सामान्यता संदर्भित हंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है विकल्प ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाहकार विकल्प बी दैनिक खातों के लिए बनाए रखने के लिए एक डायरी विकल्प सी एक विनिमय विकल्प डी एक आदेश सामंती प्रभु से अपने अधीनस्थों को हुंडी एक ऐसा नोट है जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई जमा राशि को रिकॉर्ड करता है जमा राशि को जमा राशि के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करके किसी अन्य स्थान पर दावा किया जा सकता है जो एक विनिमय बिल है इसका मतलब है कि हुंडी एक प्रकार के आयु के रूप में कार्य करता है जो जमाकर्ता को भौतिक मुद्रा की आवश्यकता के बिना किसी अन्य पक्ष को धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है प्रथा प्राचीन भारत में हर्ष काल के बाद आम थी जैसा कि परामर्श के गए स्रोतों से पता चलता है आइए प्रश्न को देखें। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यापा और द्रोणापा शब्द, विकल्प ए भूमि का माप विकल्प बी विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के विकल्प सी शहरी भूमि का वर्गीकरण विकल्प डी धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाते हैं उत्तरा कुल्यवप्पा और द्रोनवप्पा शब्द प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होते हैं जैसा कि बंगाल सहित भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न शिलालेखों में उल्लेख किया गया है इन शब्दों का प्रयोग गुप्त युग के दौरान किया गया था इस अवधि के दौरान भूमि के माप के लिए प्रयुक्त अन्य शब्दों में बंगाल के अधोप्पा और अपटाकार मध्य भारत के अनिर्वर्तना और अहमूमिक और पश्चिमी भारत के अरत्नवर्तना और अपदावर्तना शामिल है प्रश्न निम्नलिखित शासकों में से किसने इस शिलालेख के माध्यम से अपने अधीनस्थों को सलाह दी अंग जो कोई भी अपने धार्मिक संप्रदाय की अति भक्ति से अपने स्वयं के संप्रदाय का महिमा मदन करने के लिए अपने स्वयं के संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदायों को दोष देता है वह अपने स्वयं के संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुँचाता है अंक विकल्प ए अशोक विकल्प बी समुद्रगुप्त विकल्प सी हर्षवर्धन विकल्प डी कृष्णदेव राय शिलालेख अशोक के शासनकाल का है क्योंकि वह सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने वाले पहले शासक थे उनका माना था कि अपने ही संप्रदाय के प्रति अत्यधिक समर्पण से दूसरों के प्रति हानिकारक कार्य हो सकते हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने विषयों को सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णु और सम्मानजनक होने की सलाह दी प्रश्न भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। प्रसिद्ध स्थान वर्तमान राज्य बिल्सा मध्य प्रदेश द्वार समुद्र महाराष्ट्र गिरिनगर गुजरात आ, फोर, उत्तर प्रदेश उपरोक्त जोड़े में से कौन से जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं विकल्प एन और थ्री केवल विकल्प बी ऑल और फोर केवल विकल्प सी टू और थ्री केवल विकल्प डी टू और फोर केवल उत्तरा सही जोड़ी बिल्सा मध्य प्रदेश और गिरनगर गुजरात है बिल्सा मध्य प्रदेश में स्थित है और सुंगा राजवंश का मुख्य केंद्र होने के लिए जाना जाता है जबकि गिरिनगर गुजरात में स्थित है और यह स्थान का सही नाम है दूसरी ओर स्टहेश्वर वास्तव में हरियाणा में स्थित है और उत्तर प्रदेश में नहीं जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है ओसाला राजवंश द्वार समुद्र से शासन करता था जिसे कर्नाटक में स्थित हैलविद के रूप में भी जाना जाता है प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश की अवधि के संदर्भ में घंटशाला कडूरा और चाउल शहर विदेशी व्यापार से निपटने वाले बंदरगाहों शक्तिशाली राज्यों की राजधानी उत्कृष्ट पत्थर कला और वास्तुकला के स्थानों के रूप में प्रसिद्ध थे प्राचीन भारत में गुप्ता राजवंश के समय में घंटशाला कडूरा और चाउल शहर विदेशी व्यापार के बंदरगाहों के रूप में प्रसिद्ध थे जो पश्चिमी भारत के तट पर रणनीतिक रूप से स्थित थे और मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय देशों के साथ मसाले वस्त्र और धातुओं जैसे वस्तुओं के व्यापार में शामिल थे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें परिवराजक त्याग और भट्ट उच्च दर्जा का पुजारी उपसाका बौद्ध धर्म का, का उपरोक्त जोड़े में से कौन सा सही है उत्तर केवल और खा ही सही उत्तर है वैदिक युग में अनुष्ठानों और बलिदानों पर बहुत जोर दिया गया था जिसके कारण एक प्रतिक्रिया के रूप में श्रावन धर्म का उदय हुआ श्रामो को सभी सामाजिक वर्गों से भर्ती किया गया था और उनके शिक्षक वैदिक शिक्षा और अनुष्ठानों को चुनौती देते हुए वैदिक और ब्राह्मण विरोधी थे इसलिए विकल्प सही उत्तर है। इसके अलावा श्री नारायण गुरु एक परवराजक बन गए जो सती की खोज में जगह जगह बटकते रहे भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें वन राजा बोजा के अधीन प्रतिहारों का उदय 2. महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना थ्री चोल परंतक की स्थापना फोर गोपाल द्वारा स्थापित राजवंश उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है सबसे पहले समय से शुरू होकर उत्तरा घटनाओं का सही कालक्रमिक क्रम सी टू फोर वन थ्री है उत्तर को इस प्रकार समझाया जा सकता है 1 महेंद्र वर्मन प्रथम 560 ई पल्लव राजवंश के संस्थापक थे 2 गोपाल 750 ई ने पल्लव राजवंश की स्थापना की 3 राजा भोज प्रतिहार 836-85 ई ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना की 4 प्रंतका अंजोल 973 ई चोल राजवंश के संस्थापक थे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वन अस्थविरा का संबंध महायान बौद्ध धर्म से है 2. लोकतारावादियों का संप्रदाय महासंगिका बौद्ध धर्म से था महासंगिकाओं द्वारा बुद्ध के देवताकरण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है, सही उत्तर है केवल दो और थ्री कथन अन गलत है क्योंकि महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है वे वास्तव में हनायन या छोटे वाहन परंपरा का हिस्सा है जो बौद्ध धर्म की एक अलग शाखा है कथन त्री सही है क्योंकि महासंगी द्वारा बुद्ध के देवताकरण ने वास्तव में महायान बौद्ध धर्म के विकास को बढ़ावा दिया था प्राचीन भारत के विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वन पानिनी पुष्यमित्रा सुंगा से जुड़ी हुई है दू अमर सिंह हर्षवर्धन से जुड़ी हुई है थ्री कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी हुई है उत्तर ग केवल त्री का सही उत्तर है पानिनी का संबंध पुपू फाइवी शताब्दी के समय से है संघा से नहीं अमर सिंह का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से है हर्षवर्धन से नहीं और कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से है इसलिए केवल थ्री का सही उत्तर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमित्र का सही वर्णन है विकल्प ए सबसे पहले धर्मशास्त्र के ग्रंथ जो कि उपदेशात्मक शैली में लिखे गए थे विकल्प बी दार्शनिक स्कूल जो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे विकल्प सी पूर्णता जिनके प्राप्ति से बोधिस्तो मार्ग प्राप्त हुआ विकल्प डी प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी गिल्द उत्तरा परमित्रता शब्द उन पूर्णताओं सद्गुणों को संदर्भित करता है जिन्हें एक बोधिसत्व को ज्ञान के मार्ग पर प्राप्त करना चाहिए इन पूर्णताओं का उल्लेख महायान और वज्रायन परंपराओं में किया गया है विशेष रूप से वैपुत संहिता में जो संस्कृत में लिखी गई है बोधिसत्व महायान वज्रायन परंपरा का हिस्सा है और पूर्णताओं का उल्लेख उनके ज्ञान के मार्ग के संदर्भ में किया गया है चलो प्रश्न को देखते हैं कल्याण मंडप का निर्माण मंदिर निर्माण में एक उल्लेखनीय विशेषता थी विकल्प ए चालुक्य विकल्प बी चंदेला विकल्प सी, राष्ट्रकुटा, विकल्प डी विजयनगर विजयनगर में मंदिरों के निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी विजयनगर वास्तुकला स्कूल प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडपों स्तंभों वाले हॉल के निर्माण की विशेषता है कल्याण मंडप के रूप में जाना जाने वाला केंद्रीय मंडप विजयनगर मंदिरों में एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषता थी गुप्ता काल में भारत में जबरन श्रम विष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है विकल्प ए यह राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था जो लोगों द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर था विकल्प बी यह गुप्ता साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कथियावार क्षेत्रों में पूरी तरह से अनुपस्थित था विकल्प सी जबरन श्रमिक को साप्ताहिक मजदूरी का हकदार माना जाता था विकल्प डी गुप्ता काल में जबरन श्रम विष्ट को राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता था जो जनता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर के समान था यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह भूमि अनुदान शिलालेखों में करों के साथ उल्लेख किया गया है जबकि विष्ट का अभ्यास गुप्ता साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कथियावार क्षेत्रों में अधिक आम था यह इन क्षेत्रों में पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं था चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस राहत मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रन्यो अशोक राजा अशोक का उल्लेख है विकल्प ए खनाहली विकल्प बी संची विकल्प सी शाह विकल्प डी सोहगोरा खनहली में एक प्राचीन मूर्ति है जो एक प्राचीन भारतीय मूर्ति है जो एक प्राचीन 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 मूर्ति है चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है विकल्प ए चन्डोरा विकल्प बी कोटीजी विकल्प सी सोहागौरा विकल्प डी देसालपुर सोहागोर हड़प्पा स्थल नहीं है क्योंकि यह एक मौर्य अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख करता है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा नहीं है अन्य विकल्प चनहुदुर कोट डीजी और देसालपुर सभी हड़प्पा स्थल हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए आया है विकल्प ए अवलोकेश्वर विकल्प बी लोकेश्वर विकल्प सी मैत्रेय विकल्प डी पद्मपानी बौद्ध धर्म के के ग्रंथों अनुसार, ऐतिहासिक बुद्ध ने स्वयं मैत्रेय के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो अपनी शिक्षाओं के साथ दुनिया को शुद्ध करेंगे मैत्रेय अपनी करुणा के लिए जाना जाता है और यहाँ तक कि सबसे निचले बौद्ध शुद्धिकरण अविचित तक पहुँचने की उनकी क्षमता के लिए भी जाना जाता है अन्य विकल्प अवलोकेश्वर और लोकेश्वर भी करुणा से जुड़े हैं और कभी कभी मैत्रेय के पर्याय के रूप में उपयोग किए जाते हैं लेकिन वे स्वयं मैत्रेय के समान नहीं है प्रश्न: भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्तनकोसी संप्रदाय का संबंध प्री एट से डी विकल्प ए बौद्ध धर्म विकल्प बी जैन धर्म विकल्प सी वैष्णव धर्म विकल्प डी सै धर्म से है अर्थात स्थानकवासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि स्थानकवासी संप्रदाय में स्वेतंबर जैनों के साथ कई समानताएं हैं और इसलिए वे स्वयं को स्वेतंबर स्थानकवासी के रूप में पहचानना पसंद करते हैं चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था विकल्प ए काकिनाडा विकल्प बी मोटूपल्ली विकल्प सी मछलीपट्टनम मासुलीपट्टनम, विकल्प डी नेलुरु मोटूपल्ली जो कि अब कृष्णा जिले में है काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था विदेशी व्यापारी अक्सर इस बंदरगाह का दौरा करते थे जो इसके रणनीतिक स्थान और वाणिज्यिक महत्व को दर्शाता है नतीजतन मोटूपल्ली काकतीय राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था इसलिए उत्तर है बी मोटूपल्लीग्वेद आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के बीच के अंतर के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है केवल अन और थ्री से ही उत्तर है ऋग्वेद युद्ध में मेल कोट और हेलमेट का प्रयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी के लोगों ने इनका उपयोग करने का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा था ऋग्वेद आर्य सोने चांदी और तांबे को जानते थे जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे को जानते थे ऋग्वेद आर्य घोड़े को पालतू बनाते थे जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई प्रमाण नहीं है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है अरसावली अमरकंटक नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। वन विकल्प बी केवल टू और थ्री विकल्प सी केवल वन और थ्री विकल्प डी केवल टू और थ्री उत्तरा सही उत्तर है आ केवल एक अन्य विकल्पों में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नहीं है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अरसावली में एक सूर्य मंदिर है जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है मैसूर में श्री ओमकरेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सूर्य मंदिर नहीं है इसलिए विकल्प थ्री गलत है मध्य प्रदेश में अमरकंतक में मंदिर है लेकिन सूर्य मंदिर नहीं है इसलिए विकल्प थ्री गलत है चलो प्रश्न को देखते हैं बोधिसा तो पद्म पानी की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध और अक्सर चित्रित चित्रों में से एक है विकल्प ए अजंता विकल्प बी बदमी विकल्प सी बाघ विकल्प डी एलोरा उत्तरा अजंता गुफा संख्या अन में बोधिसा तो पद्म पानी की पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध और अक्सर चित्रित चित्रों में से एक है प्रश्न भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वन सौत्रणिका और संतता जैन धर्म के संप्रदाय थे 2. सर्वस्तावदीन का मानना था कि घटनाओं के घटक पूरी तरह क्षणिक नहीं होते बल्कि एक अव्यक्त रूप में हमेशा के लिए मौजूद होते हैं उत्तरा बी केवल तो ही सही उत्तर है सौत्रनिका और संतिया वास्तव में बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जैन धर्म के नहीं इसलिए कथन अन गलत है दूसरी ओर सर्वस्तवदीन बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो अतीत वर्तमान और भविष्य में सभी वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करता है यह अन्य बौद्ध संप्रदायों के दृष्टिकोण के विपरीत है जो मानते हैं कि घटनाएं क्षणिक है और समय से बाहर मौजूद नहीं है प्रश्ना प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में सुंगा राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा है विकल्प ए स्वपन असावदाता विकल्प बी मालाविक गणित विकल्प सी मेघदूत विकल्प डी रत्नवली सुंगवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा वाली पुस्तक मालाविक गनिष्ठ है जो कालिदास द्वारा लिखी गई है और इसमें सुंग सम्राट अग्निमित्रा की कहानी है जो मालाविक नामक एक निर्वासित दासी की तस्वीर से प्यार करता है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना बनाया गया था विकल्प ए भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर विकल्प बी धौली में चट्टान पर काटा हुआ हाथी विकल्प सी महाबलीपुरम में चट्टान पर काटा हुआ स्मारक विकल्प डी उदयगिरी में वराह छवि इस स्मारक पर अशोक का नाम और उनके शासनकाल का उल्लेख है यह स्मारक पर पाए गए शिलालेखों से स्पष्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण यज्ञ द्वारा आठवीं शताब्दी में किया गया था जबकि महावलीपुरम में रॉक कट स्मारकों का निर्माण सर्वी अठवीं शताब्दी के दौरान पल्लवों के शासनकाल में किया गया था प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे वन अवंती टू गंधारा थ्री कोसला फोर मगध नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने विकल्प ए वन टू और थ्री विकल्प बी टू और फोर विकल्प और फोर केवल विकल्प डी वन थ्री और फोर उत्तर है। बुद्ध का जन्म कोसला राज्य में हुआ और उनकी मृत्यु मघाध राज्य में हुई अवंतिक बुद्ध के भ्रमण के क्षेत्र से बाहर था और वह गंधारा कभी नहीं गया था इसलिए केवल दो और 4 ही सही है आइए प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जो भारत के प्रतीक के नीचे अंकित है को आ कथा उपनिषद बी के उपनिषद की ऐतारे उपनिषद मुंडका उपनिषद विकल्प ए विकल्प बी विकल्प सी विकल्प डी से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाक्य वाक्य सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक के नीचे अंकित है यह वाक्यांश मुंडका उपनिषद से लिया गया है जो हिंदू धर्म में सबसे पुराने और सबसे सम्मानित उपनिषदों में से एक है उपनिषद आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह है और सत्य में उजयते पूरे पाठ में एक केंद्रीय विषय है इस वाक्यांश का अनुवाद जीवन के सभी पहलुओं में सत्य और ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए किया जा सकता है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी भारतीय दर्शन की प्रणालियों का हिस्सा नहीं है विकल्प ए मीमांसा और वेदांत विकल्प बी नैया और वैशेषिका विकल्प सी लोकयात और कपलिक विकल्प डी संख्या और योग उत्तरा लोकयात्रा और कपालिका भारतीय दर्शन की प्रणालियों में से नहीं है जबकि अन्य पांच प्रणालिया संज्ञा योग नय वैश्विक और मीमांसा भारत में अच्छी तरह से स्थापित और व्यापक रूप से अध्ययन की गई दार्शनिक परंपराएं हैं लोक यात्रा और कपालिका को इस परंपरा के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी गई है लोकयात्रा विचार का एक मामूल स्कूल है जो छठी शताब्दी ईस्वी में उभरा और मुख्य रूप से नैतिकता और नैतिक दर्शन से संबंधित था भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें प्रसिद्ध मंदिर स्थान मठ और स्पीति घाटी मंदिर परिसर दो लोकसभा लखांग जानसकर घाटी मंदिर नाको थ्री अलची मंदिर परिसर लद्दाख उपरोक्त दिए गए जोड़े में से कौन सा सही मिलान है ए केवल बी और थ्री केवल विकल्प सी वन और थ्री केवल विकल्प डी विकल्प टू और थ्री उत्तरा उपरोक्त जोड़े में से केवल एक जोड़ी सही है ताबो मठ और मंदिर परिसर स्पीति घाटी में स्थित है जबकि अलची मंदिर परिसर लद्दाख में स्थित है लहसुन लहंगा जम्मू और कश्मीर में स्थित जानसकर घाटी में स्थित है नाको हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसलिए सही उत्तर केवल सी वन और थ्री है भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें मूर्तिकला स्थल का प्रसिद्ध कार्य हाँ उत्तर ग केवल अन और थ्री ही सही उत्तर है क्योंकि विष्णु का वरा अवतार की प्रतिमा गहरे और अराजक जल से देवी पृथ्वी को बचाने के लिए चट्टान पर उकेरी गई है अजंता में नहीं मामलपुरम में पाई जाती है इसी प्रकार अजंता की गुफा सेवन में बुद्ध की परनिर्वाण प्रतिमा जिसमें अनेक स्वर्गीय संगीतकार और उनके अनुयायियों के दुखद चित्र हैं, अजंता में पाई जाती है मामलपुरम में नहीं प्रश्ना चीन के यात्री युआन चुवांगूआन सांग ने भारत में उस समय की सामान्य परिस्थितियों और संस्कृति को दर्ज किया था इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वन सड़के और नदी मार्ग पूरी तरह से डकैती से प्रतिरक्षित थे अपराधों के लिए दंड के रूप में आग पानी और जहर द्वारा परीक्षा एक व्यक्ति के निर्दोष या दोषी होने का निर्धारण करने के लिए उपकरण थे त्री, व्यापारियों को नौकाओं और बाधा स्टेशनों पर शुल्क देना पड़ता था। युआन चुआंग के अनुसार व्यापारियों को नौकाओं और बाधाओं पर हल्के शुल्क का भुगतान करना पड़ता था और राजस्व का भुगतान करने के बाद वे अपने माल का व्यापार करने के लिए आगे पीछे जा सकते थे यात्रियों द्वारा दर्ज किए गए सामाजिक अपराधों के लिए सजा प्रमुख अपराधों के लिए नाक कान या हाथ काटना और मामूली अपराधों के लिए जुर्माना शामिल था चुआंग द्वारा उल्लेखित अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने की विधि आग पानी और जहर द्वारा परीक्षाओं के माध्यम से थी भारतीय चट्टानों में काटी हुई वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वन बदमी की गुफाएं भारत में सबसे पुरानी चट्टानों में काटी हुई गुफाएं हैं टू बार बार की चट्टानों में काटी हुई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अजय के लिए बनाई गई थी थ्री एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई थी उत्तरा सी केवल थ्री ही सही उत्तर है बार बार चट्टानों से काटी हुई गुफाएं भारत की सबसे पुरानी चट्टानों से काटी हुई गुफाएं हैं जो मूल रूप से मौर्य काल (328 टू के दौरान आजीविकाओं के लिए बनाई गई थी एलोरा गुफाओं का निर्माण फाइवी और 6वीं शताब्दी के बीच किया गया था जिसमें बौद्ध गुफाएं सेवन हिंदू गुफाएं और फाइव जैन गुफाएं थी प्रश्न जैन धर्म में कर्म को नष्ट करने का सबसे सही तरीका तपस्या करना है प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा है कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। जैन धर्म के अनुसार कर्म को नष्ट करने का सबसे पक्का तरीका तपस्या का अभ्यास करना है क्योंकि यह सभी दोषों को दूर करता है और आत्मा को सभी कर्मिक पदार्थों से शुद्ध करता है कर्म आत्मा का अभिशाप है क्योंकि यह न केवल प्राणों के पलायन की कारणता को शामिल करता है बल्कि विभिन्न रंगों के साथ आत्मा में घुसपैठ करता है इसे विभिन्न प्रदूषकों से दूषित करता है प्रश्न सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता क्या है 1. उनके पास महान महल और मंदिर थे दू वे पुरुष और महिला दोनों देवताओं की पूजा करते थे त्री वे युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही कथन का चयन करें सिंधु सभ्यता के लोग अपनी शहरी योजना और वास्तुकला इंटो और बहुमंजिला घरों से बने शहरों के साथ अपने लिए विशिष्ट थे उनके पास महान महल और मंदिर नहीं थे जैसा कि विकल्प ए में सुझाव दिया गया है इसके बजाय उनके पास युद्ध के कोई सबूत के साथ एक शांतिपूर्ण समाज था और उनकी धार्मिक मान्यताएं इस क्षेत्र में पाई गई मोहरों में प्रिलक्षित हुई जो स्वास्तिका और जानवरों को दिखाती है कुछ विद्वानों का मानना है कि वे एक माता देवी की पूजा करते थे जो प्रजन का प्रतीक है जबकि अन्य प्रस्ताव करते हैं कि वे एक पिता की पूजा करते थे जो दौर का पूर्वज और जानवरों के भगवान के रूप में शिव का एक प्रोटोटाइप हो सकता है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है विकल्प ए इच्छा की लौ का विलुप्त होना विकल्प बिया आत्मविनाश विकल्प या सुख और विश्राम की स्थिति विकल्प डिया सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा इच्छा की ज्वाला को बुझाना है क्योंकि यह बौद्ध मार्ग का अंतिम लक्ष्य है क्योंकि यह माना जाता है कि वास्तविक खुशी और मुक्ति प्राप्त करने के लिए लालच घृणा और भ्रम की आग को बुझाया जाना चाहिए और शब्द निर्वाण मूल अर्थ से आता है और बौद्ध मार्ग पर प्राप्त ज्ञान के माध्यम से इन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अशुद्धियों को बुझाने के लिए संदर्भित करता है प्रश्ना भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में संज्ञा विद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें संज्ञा पुनर्जन्म या आत्मा के स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है संज्ञा यह मानती है कि यह आत्मज्ञान है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और कोई बाहरी प्रभाव या एजेंट नहीं है संख्या योग में पुनर्जन्म या आत्मा के स्थानांतरण के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं किया गया है वास्तव में संख्या योग का मानना है कि प्रत्येक पुरुष भोग अपवर्ग का अनुभव करता है और केवल मोक्ष तक बार बार जन्म लेता है जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या स्वतंत्रता कुछ बौद्ध चट्टानों में खोदी गई गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को विहार कहा जाता है दोनों के बीच क्या अंतर है विकल्प ए विहार पूजा का स्थान है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है विकल्प बी चैत्य पूजा का स्थान है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है विकल्प सी चैत्य गुफा के दूर अंत में स्तूप है जबकि विहार अक्षे छत है विकल्प डी दोनों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है चैतिया और विहार में अंतर उनके उद्देश्य और कार्य में निहित है चैतिया पूजा के स्थान है विशेष रूप से प्रार्थना के लिए भक्तों के बड़े समूहों को रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान है जो उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक विकास के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं प्राचीन भारत के गिल्डो श्रेणी के बारे में जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वन प्रत्येक गिल्ड राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था और राजा उन पर मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण था 2. मजदूरी कार्य के नियम मानक और कीमतें गिल्ड द्वारा निर्धारित की जाती थी गिल्ड के अपने सदस्यों पर न्यायिक शक्तियां थी नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। विकल्प ए केवल अन और दो विकल्प बी केवल थ्री विकल्प सी केवल दो और थ्री विकल्प केवल और थ्री। उत्तरा प्राचीन भारत में गिल्ड श्रेणी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन उनके पास उन्हें विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं था मजदूरी कार्य नियम मानक और कीमतें स्वयं गिल्ड द्वारा निर्धारित की जाती थी और उनके अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार थे चलो प्रश्न को देखते हैं वैदिक आर्यो का धर्म मुख्य रूप से था विकल्प ए भक्ति विकल्प बी छवि पूजा और यज्ञ विकल्प सी प्रकृति की पूजा और यज्ञ विकल्प डी प्रकृति की पूजा और भक्ति प्रारंभिक वैदिक आर्यो ने एक ऐसा धर्म अपनाया जिसमें प्रतिमा की पूजा और यज्ञ दोनों शामिल थे जिसमें मूर्ति या देवताओं की प्रतिमा की पूजा शामिल थी जबकि यज्ञ देवताओं को संतुष्ट करने के लिए किए जाने वाले बलिदान अनुष्ठान थे प्रारंभिक वैदिक आर्यो का माना था कि इन प्रथाओं ने प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मत की और मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया दोनों की भलाई सुनिश्चित की बुद्ध ने कभी कभी भूमिपार्शा नमक हाथ के इशारे से देखा है जो मारा की देखरेख करने और मारा को उसके ध्यान को बाधित करने से रोकने के लिए पृथ्वी को बुलाने का प्रतीक है विकल्प ए बुद्ध की छवि भूमिपर्शा मुद्रा नामक हाथ के इशारे के साथ दिखाई जाती है जो पृथ्वी को बुद्ध के आह्वान का प्रतीक है जुम्मर के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और पवित्रता को गवाही देने के लिए हैं। बुद्ध अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को छूते हुए पृथ्वी को अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की याद दिला रहा है और अपने प्रबुद्धता के लिए अपनी गवाही की मांग कर रहा है प्रश्न नाग द्रविड़ और वेसरा भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह हैं। तीन मुख्य भाषाई विभाजन है जिनमें भारत की भाषाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है तीन मुख्य भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली है तीन मुख्य संगीत घाट हैं। विसरा शैली में मंदिरों की वास्तुकला में तीन मुख्य शैलिये हैं: एक ऊंची ऊर्ध्वाधर टावर शिखरा और एक समतल छत के साथ एक आयताकार मंदिर गर्भागृहा वेसरा शैली में मंदिरों की वास्तुकला में तीन मुख्य शैलिया हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था वन तपस्या और आनंद की चरम सीमाओं से परहेज करना 2. वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता अनुष्ठानों की प्रभावशीलता का इनकार करना नीचे दिए गए कोलों का उपयोग करके सही उत्तर चुने ए अन केवल बी दो और थ्री केवल विकल्प सी और थ्री केवल डी विकल्प अन विकल्प दो और थ्री विकल्प बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों के अधिकार और अनुष्ठानों की प्रभावशीलता को अस्वीकार कर दिया है जो प्राचीन भारत के इतिहास में एक आम धागा है और इन दोनों धर्मों को जोड़ता है जबकि बौद्ध धर्म ने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि यह सुनने पर आधारित है और आधार के रूप में व्यक्तिगत अनुभव नहीं है जैन धर्म ने अनुष्ठानों की प्रभावशीलता को खारिज कर दिया है क्योंकि यह अंधविश्वास पर आधारित है और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर नहीं जाता है प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है प्रथम शताब्दी ई तक विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण आम उपयोग में थे शताब्दी ई. तक मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था कोन की की साइन अवधारणा पांचवें शताब्दी ई में ज्ञात थी फोर चक्रव्यूह चतुर्भुज की अवधारणा सातवें शताब्दी ई में ज्ञात थी उदाहरण के लिए पहली शताब्दी ईपू में विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण आम उपयोग में थे का कथन सही है इसका प्रमाण भारतीय सर्जन चारका के कार्यों में पाया जाता है जो चौथी शताब्दी ईपू में रहते थे और शल्य चिकित्सा उपकरणों जैसे कि स्केलपेल फोरसिप्स और सुइयों के उपयोग के बारे में लिखा था धर्म और रीता भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें धर्म दायित्वों की एक अवधारणा थी और अपने और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन था रीता ब्रह्मांड और उसके सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है विकल्प ए केवल है विकल्प बी केवल दूब विकल्प सी दोनों और और विकल्प दी, न तो अन और नहीं रीता की अवधारणा ब्राह्मण में और व्यवस्था को संदर्भित करती है दोनों ब्राह्मण के प्राकृतिक क्रम के संदर्भ में और नैतिक और नैतिक सिद्धांतों के रूप में जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं यह भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक महत्वपूर्ण विचार था बाद में धर्म की अवधारणा ने रीता की जगह ली और कानून के सिद्धांतों के एक अधिक परिष्कृत रूप का प्रतिनिधित्व किया जिसमें न केवल नैतिक और नैतिक सिद्धांत शामिल थे बल्कि चाणक्य के अनुसार अपनी सुरक्षा खुशी और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना भी शामिल था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वन या मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद था दृश्य पर हावी नहीं था तू इस अवधि के दौरान कपास का उपयोग भारत में कपड़ा निर्माण के लिए किया गया था उत्तरा का सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में एक धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी जहां धर्म का प्रभुत्व नहीं था लेकिन धार्मिक तत्व मौजूद था लेकिन यह प्रमुख शक्ति नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता एक जटिल और उन्नत सभ्यता थी जिसमें एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष परंपरा थी जबकि समाज में धर्म मौजूद था यह सभ्यता को आकार देने में प्रमुख भूमिका नहीं निभाता था यह सभ्यता अपने पुरस्कृत शहरी नियोजन कृषि और व्यापार नेटवर्क की विशेषता थी जो सभी धर्म निरपेक्ष थे जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण और रखरखाव विकल्प ए सार्वभौमिक कानून विकल्प बी सार्वभौमिक सत्य विकल्प सी सार्वभौमिक विश्वास विकल्प डी सार्वभौमिक आत्मा द्वारा किया जाता है जैन धर्म में सृष्टिकर्ता देवता के विश्वास को स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि यह माना गया है कि ब्रह्मांड और उसके घटक आत्मा सहित हमेशा से ही अस्तित्व में रहे हैं और सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित है भारत ने बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे बंगाल की खाड़ी के पूर्ववर्ती इतिहास की इस प्रमुखता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ठोस स्पष्टीकरण हो सकता है विकल्प ए अन्य देशों की तुलना में भारत में प्राचीन और मध्युगिन काल में जहाज निर्माण की बेहतर तकनीक थी विकल्प बी, दक्षिण भारत के शासकों ने हमेशा व्यापारियों ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को इस संदर्भ में प्रोत्तरित किया उत्तरा बंगाल की खाड़ी के प्रारंभिक समुद्री इतिहास में भारत की श्रेष्ठता को जहाज़ निर्माण में तकनीकी प्रगति और दक्षिण भारत में शासकों ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बंगाल की खाड़ी में मानसून की हवाओं ने भी समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बना दिया जिससे भारतीय व्यापारियों को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में संलग्न होना आसान हो गया प्राचीन भारत में गुप्ता काल की गुफा चित्रों के केवल दो ज्ञात उदाहरण हैं। इनमें से एक अजंता गुफाओं की चित्र है गुप्ता चित्रों का दूसरा जीवित उदाहरण कहा है विकल्प ए बाघ गुफाएं विकल्प बी एलोरा गुफाएं विकल्प सी लोमा ऋषि गुफा विकल्प डी नासिक गुफाएं गुप्ता काल की चित्रकला का दूसरा जीवित उदाहरण भारत के मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं में पाया गया है जहां विहार की मरम्मत के लिए महाराजा सुभान्दू की तांबे की एक प्लेट की शिलालेख पाया गया था हालांकि बाघ की शिलालेख की तारीख गायब है बदवानी तांबे की प्लेट की शिलालेख वर्ष गुप्तयुग युग सेवन में है प्रश्ना अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का मूल सिद्धांत और दर्शन है विकल्प ए बौद्ध धर्म विकल्प बी जैन धर्म विकल्प सी सिख धर्म विकल्प डी वैष्णव धर्म अनिकंतवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है जो अनिकंतवाद को अनिश्चितता का सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है जो यह दर्शाता है कि वास्तविकता निश्चित या निरपेक्ष नहीं है बल्कि यह लगातार बदलती है और विकसित होती है चलो प्रश्न को देखते हैं सूत्र क्या से संबंधित है विकल्प ए एक समकोण त्रिकोण की किनारों की लंबाई विकल्प बी पाई के मूल्य की गणना। विकल्प सी लॉगरिदमिक गणना विकल्प डी सामान्य वितरण वक्र बौद्धया थोरम प्रमेय एक हिंदू गणित का पाठ है जो ज्यामिति बीजगणित और अंकगणित सहित विभिन्न गणितीय अवधारणाओं से संबंधित है जो एक समकोण त्रिभुज के पक्षों की लंबाई से संबंधित है विशेष रूप से यह बताता है कि एक समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनस की लंबाई का वर्ग अन्य दो पक्षों की लंबाई के वर्गों के योग के बराबर है चलो प्रश्न को देखते हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से जुड़ा हुआ है विकल्प ए महापद मनंद विकल्प बी चंद्रगुप्त मौर्य विकल्प सी अशोक विकल्प डी समुद्रगुप्त इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि यह उनके दरबार के कवि हरिसेना द्वारा लिखा गया था शिलालेख एक चट्टान का आदेश है जो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और विजयों का वर्णन करता है और इसे उनके शासनकाल के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है विकल्प ए ग्रीक साका कुशाना विकल्प बी ग्रीक कुशाना साका विकल्प सी साका ग्रीक कुशाना विकल्प डी साका कुशाना ग्रीक प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रमिक क्रम आ ग्रीक साका कुशाना है क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ग्रीक राजा ने थ्री ईपू में भारत पर आक्रमण किया था चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसके बीच प्राचीन शहर तक्षशिला स्थित था विकल्प ए सिंधु और झेलम विकल्प बी झेलम और चेनाब विकल्प सी चेनाब और रवि, विकल्प डी रवि और बीज तक्षशिला अंग्रेजी तक्षशिला एक प्राचीन शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय स्थित था और प्राचीन काल में प्राचीन भारत के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रसिद्ध था चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी विकल्प ए अमस्तक वर्षा प्रथम विकल्प बी दंती दुर्गा विकल्प सी ध्रुव विकल्प डी कृष्ण प्रथम उत्तरा दंती दुर्गा दंती दुर्गा दंती दुर्गा दंती दुर्गा, दुर्गा चालक्य चालू किया के कि एक सम्राट थे जिन्होंने सेवन ई में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों का समकालीन नहीं था विकल्प ए बेमसरा विकल्प बी गौतम बुद्ध विकल्प सी मिलिंदा विकल्प डी प्रसन्नजीत मिलिंदा अन्य तीनों में से कोई भी समकालीन नहीं था बिंबिसार हरियाणा राजवंश का था और उसके अधीन में मग्ध साम्राज्य प्रमुखता में आया था वह बुद्ध का समकालीन था और विवाह संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता था उसकी पहली पत्नी कोशाल के राजा के पुत्र प्रसन्न की बहन थी जो बुद्ध का भी समकालीन था चलो प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें जादुई आकर्षणों और मंत्रों का विवरण है विकल्प ए विकल्प B, विकल्प बी यजुर्वेद, सी एग्वेद विकल्प डी समावेद उत्तरा अथार वह वेद, वेद है जिसमें जादुई मंत्रों का विवरण है जो बुराई और रोगों को दूर करने के लिए प्रयुक्त होते हैं अन्य वेद ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद में ऐसे जादुई मंत्रों का विवरण नहीं है इसलिए उत्तर है अथार्वेद। प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विकल्प ए जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में सलबाहू के नेतृत्व में हुआ था विकल्प बी भद्रभा के नेतृत्व में रहने वाले जैनों को पटलीपुत्र में आयोजित परिषद के बाद श्वेतांबर कहा जाता था विकल्प सी जैन धर्म को कलिंग राजा खरावेला की संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म की उत्पत्ति दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हुई और इसका प्रारंभिक इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है हालांकि यह ज्ञात है कि जैनों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर्नाटक के राजा खरावेला की संरक्षण का आनंद लिया खराबेला एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया जिसमें आधुनिक कर्नाटक ओडिशा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे प्रश्न वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी प्रमुख चेतका की पुत्री थी गौतम बुद्ध की माता कोशालन वंश की राजकुमारी थी तृतीय तीर्थंकर प्रश्वनाथ बनारस के थे इनमें से कौन सा कथन सही है उत्तर गैर त्रिवर्धमान महावीर की माता त्रिशाला लिच्छवी प्रमुख चेतका की बहन थी उनकी पुत्री नहीं इसी प्रकार गौतम बुद्ध की माता महारानी माया कोशालन वंश की राजकुमारी थी इसलिए तीसरा तीर्थंकर पर्श्वनाथ बनारस का था द्वारा लिखी गई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृतकटिक में एक अमीर व्यापारी का एक कुटीर स्त्री की बेटी से प्रेम संबंध पश्चिमी भारत के शका पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और कारना में एक गुप्त राजा और कामरूपा की राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध आदि के बारे में बताया गया है भी एक संस्कृत नाटक है जो सूद्र का द्वारा ईसा पूर्व शताब्दी में लिखा गया था यह नाटक एक धनी कुलीन वसंतासेन के लिए चारुदत्त नामक एक युवक के प्रेम संबंध के इर्द गिर्द घूमता है यह नाटक प्रेम वर्ग और सामाजिक स्थिति के विषयों की खोज करता है क्योंकि चारुदत्त वसंतासेन की तुलना में एक निम्न सामाजिक वर्ग से संबंधित है उनके सामाजिक मतभेदों के बावजूद चारुदत्त और वसंता से इन गहरे प्यार में हैं, लेकिन उनके संबंध को समय के सामाजिक मानदंडों द्वारा जटिल माना जाता है सम्राट हर्ष का दक्षिण की ओर मार्च नर्मदा नदी पर रोक दिया गया था विकल्प ए पुलाकेसिन e, विकल्प बी पुलासिन e, विकल्प सी डी विक्रमदित्य आई उत्तर मिसूर के वटपी के चालुक्य राजा पुल्कसेन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष का दक्षिण की ओर मार्च रोक दिया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है विकल्प ए श्रावण बेलगोला में गोमातेश्वर की प्रतिमा जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है विकल्प बी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है विकल्प सी खजूरा मंदिर चंदलकिंग के नीचे बनाया गया है विकल्प दी होशालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। उत्तरा, बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यह प्रतिमा वास्तव में जैन देवता बाहुबली का प्रतिनिधित्व करती है न कि जैनों के अंतिम तीर्थंकर का चलो प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की सील और टेराकोटा कला में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था विकल्प ए गाय विकल्प बी हाथी विकल्प सी गेंडा विकल्प डी बाघ उत्तरा हड़प्पा संस्कृति की सीलों में गायों का चित्रण नहीं किया गया था जैसा कि हाथी गेंडा और बाघ जैसे अन्य जानवरों में नहीं किया गया था। चलिए प्रश्न को देखते हैं कनिष्का के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी विकल्प ए पार्शव विकल्प बी नागार्जुन विकल्प सी सुद्रक विकल्प डी वसुमित्र उत्तरा दिग्वसुमित्र इस अंश के अनुसार वसुमित्र ने आशाढ़ोश के साथ कश्मीरी कानिश के शासनकाल में आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी यह परिषद महत्वपूर्ण थी क्योंकि बौद्धों को दो समूहों में विभाजित किया गया था महायानवादी और हिन्यानवादी और परिषद उनके मतभेदों को हल करने के लिए आयोजित की गई थी इसलिए वसुमित्र ने इस अवधि के दौरान बौद्ध समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की विकल्प ए आदित्य विकल्प बी राजराजा, और विकल्प सी राजेंद्र विकल्प डी विजयले उत्तरा सबसे शक्तिशाली चोल राजाओं में से एक राजेंद्र ने हन सेवन में सिलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा का आयोजन किया कारण वह केवल महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहते थे विकल्प ए दोनों ए और हैं, आर सत्य है।, है।, है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है विकल्प बी दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है विकल्प सी ए सत्य है लेकिन आर मिथ्या है विकल्प डी अमिथ्या है लेकिन अरसत्य है उत्तरा सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा को स्वयं को लोकप्रिय बनाने के लिए बुलाया न कि महायान बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए यह सभा उनके लिए बौद्ध धर्म के एक विशेष रूप को बढ़ावा देने के साधन के बजाय अपनी शक्ति और प्रभाव को प्रदर्शित करने का एक मंच था चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है विकल्प ए हड़प्पा सभ्यता चित्रित विकल्प बी। स्कूल ऑफ आर्ट अंक विकल्प सी मुगलो अंक अजंता पेंटिंग अंक विकल्प बी मराठो अंक पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग अजंता चित्रों का वर्णन कुशन काल में किया गया है जो कि एक पूर्व वैदिक संस्कृति थी जो कि ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ई से नाइन हंड्रेड ई तक अस्तित्व में थी आइए प्रश्न को देखें। ओसाला स्मारक निम्नलिखित में पाए जाते हैं विकल्प ए हम्पी और पर; विकल्प बी हलेबिद और बेलूर विकल्प सी मैसूर और बेंगलोर विकल्प डी श्रृंगेरी और धरवार ओसाला स्मारक हलेबीद और बेलूर के क्षेत्र में पाए जाते हैं ओसाला की राजधानी शुरू में बेलूर में स्थित थी लेकिन बाद में हलेबीद में स्थानांतरित कर दी गई इसलिए सही उत्तर है बी हलेबीद और बेलूर चलो प्रश्न देखते हैं अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत पर शासन कर रहा था विकल्प ए नंदा विकल्प बी मौर्य विकल्प सी विकल्प डी कन्व उत्तरा नंद वंश के वंशज अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे इसलिए सही उत्तर है आ नंद अन्य विकल्प गलत है क्योंकि वे उस समय के दौरान उत्तर भारत पर शासन नहीं कर रहे थे प्रश्न में उल्लिखित वंशों का कालानुक्रमिक क्रम है नंद मौर्य सुंगा और कन्वो आइए इस प्रश्न को देखें। सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा पहली बार भारत में विकल्प ए यूनानियों, विकल्प बी शाखा द्वारा शुरू की गई थी। सैन्य शासन की प्रथा को सबसे पहले यूनानियों ने भारत में शुरू किया था जिन्होंने अपने गवर्नरों को रणनीतिकारों के रूप में नियुक्त किया था जो विजय प्राप्त क्षेत्रों के प्रशासन और करों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थे प्रश्न ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया कारण आर कलिंग ने दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया विकल्प ए दोनों और रारेट्रोट्रिस्ट को रेक्सप्लेन ऑफ ए विकल्प बी दोनों एंड्रेट्रिस्ट को रेक्सप्लेन ऑफ ए विकल्प सी ऐसे ही है लेकिन आर गलत है विकल्प दी ए गलत है लेकिन आर सही है उत्तरा आ, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है बी अंश के अनुसार अशोक ने कलिंग को ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य में विलय कर दिया जो कि कथन आर में दिए गए कारण द्वारा समर्थित है की कथन का सही स्पष्टीकरण यह है कि अशोक ने कलिंग को क्यों विलय कर दिया जो दक्षिण भारत के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने के लिए था प्रश्न: प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति सैन्य अभियानों से पाई जा सकती है कारण गुप्त काल के दौरान सामंती व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ था विकल्प ए दोनों और राइट सही स्पष्टीकरण है विकल्प बी दोनों और रिट्रीट राइट से ही स्पष्टीकरण है विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है विकल्प डी ए गलत है लेकिन आर सही है उत्तरा बी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन वे एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति सैन्य अभियानों से नहीं की जा सकती है क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है एक दूसरी ओर, गुप्ता काल में सामंती व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ था जो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था की उत्पत्ति का सही स्पष्टीकरण है प्रश्न जैन धर्म में अहिंसा पर जोर देने के कारण जैन धर्म को अपनाने से किसान को रोका गया था कारण खेती में कीटों और कीटों को मारना शामिल था विकल्प ए दोनों ए और रेटेरुरिस्ट विकल्प बी दोनों ए और रेटेरुरिस्ट विकल्प सी विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है जैन धर्म में अहिंसा पर जोर देने के कारण जैन धर्म को अपनाने से कृषिविदों को रोका गया है या तर्क सही है खेती में कीटों और कीटों को मारना शामिल है जो जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांतों के विपरीत है प्रश्न ए पादिन की लुकांकु समूह की अहम और पूर्म कविताओं ने संगम रचना की निरंतरता का निर्माण किया आर कारना वे संगम कार्य के विपरीत संगम कार्य के बाद के कार्यों में शामिल थे ए विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है बी विकल्प ए और ए दोनों आर ए और सी दोनों सत्य हैं, लेकिन डी सत्य है उत्तरा या कथन सही है कि पादिनिन की समूह की अहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का एक निरंतरता है और यह कारण है कि इन्हें संगम रचनाओं के बाद की रचनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है क्योंकि इन कविताओं को अन्य संगम रचनाओं के विपरीत वर्गीकृत किया गया है चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्ता काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार को संभालता था विकल्प ए ताम्रलिप्ति विकल्प बी विकल्प सी कल्याण विकल्प डी कैम्ब्रे तमिलनाडु में स्थित ताम्रलिप्त शहर जो कि आज के भारत में तामलक के समान है चीन के साथ रेशम मार्ग मध्य पूर्व और यूरोप के लिए मुख्य व्यापारिक मार्ग और बाली जावा और सुदूर पूर्व के लिए समुद्री मार्गों के माध्यम से रणनीतिक रूप से स्थित था चलो प्रश्न को देखते हैं आर्य शब्द का अर्थ है विकल्प ए एक जातीय समूह विकल्प बी एक खाना दोष लोग विकल्प सी एक भाषा समूह विकल्प डी एक श्रेष्ठ जाति आर्य शब्द का प्रयोग मूल रूप से इंडो यूरोपीय मूल के एक भाषण समूह का वर्णन करने के लिए किया गया था बाद में कुछ भाषाविदों और मानव विज्ञानी द्वारा एक काल्पनिक मास्टर रेस या सुप्रियर आबादी को संदर्भित करने के लिए अपनाया गया था लेकिन यह उपयोग वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए व्यापक रूप से नस्लवाद का एक रूप माना जाता है आइए प्रश्न को देखें। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित इंडोलो राज्य था विकल्प ए बैक्ट्रिया विकल्प बी स्किथिया विकल्प सी जिड्रासिया विकल्प डी आर्या उत्तरा भारतीय लॉस साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में हुई थी ईरानियों की प्राचीन सभ्यता बैक्टीरिया थी जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला और अमूर नदी के बीच स्थित थी जो आधुनिक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच स्थित समतल क्षेत्र को कवर करती है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्सवीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर राज्य था विकल्प ए गंधार विकल्प बी कंबोडिया विकल्प सी काशी विकल्प डी मगध मगध की उत्पत्ति शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी क्योंकि प्राचीन भारत में सेक्सी महाजन पदों के बीच मगध वर्षों तक संघर्ष के बाद विजयी हुआ था और बिंबिसार के नेतृत्व में मगध का हरण्य राजवंश अन्य नगर राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विशेष रूप से सफल रहा था प्रश्न ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से जब हंस आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया भारतीय व्यापारी अधिक से अधिक इस पर निर्भर थे कि विकल्प ए अफ्रीकी व्यापार विकल्प बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार विकल्प सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार विकल्प डी मध्य पूर्वी व्यापार रोमन साम्राज्य के अंत के बाद भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर होना शुरू कर दिया जो पहले हिंद महासागर व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी था और भारतीय व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अन्य बाजारों की ओर रुख किया चलो प्रश्न को देखते हैं आठ गुना पथ की अवधारणा इस विषय का निर्माण करती है विकल्प ए दीपावंश विकल्प बी दिव्योदन विकल्प सी महाप्रनिबंध विकल्प डी प्रवर्तन चक्र आठ गुना पथ की अवधारणा बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन सुध का विषय है जो बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक है जो दुख को समाप्त करने और आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए मार्ग का वर्णन करता है बौद्ध प्रतीकवाद में आठ गुना पथ को अक्सर धर्म चक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है जिसके आठ स्पोक मार्ग के आठ तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं मार्ग के आठ तत्व हैं: सही समझ सही भाषण सही आजीविका सही ध्यान सही विचार और सही विचार प्रश्न निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग के लिए खाद्य अनाज को संरक्षित करने का सबसे पुराना साही आदेश है विकल्प ए सोहगौरा तांबे की प्लेट विकल्प बी रुमिंदे स्तंभ अशोक का आदेश विकल्प सी प्रयागप्रस्त विकल्प डी चंद्र के मेहरावली स्तंभ शिलालेख उत्तरादेश में संकट के समय उपयोग के लिए खाद्य अनाज को संरक्षित करने के लिए सबसे पुराना ज्ञात ज्ञातशाही आदेश सोहगोरा तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है यह तांबे की प्लेट भारत में पाए जाने वाले बहुत कम पूर्व अशोक ब्राह्मी शिलालेखों में से एक है और इसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख है इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है अशोक के आदेशों के अनुसार लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव धार्मिक भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण था कारण और उन्होंने धर्म के प्रचार के बजाय समानता के विचारों का प्रसार किया विकल्प ए दोनों ए और नॉट अ कोरस बट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए विकल्प सी ए सही है लेकिन अर गलत है विकल्प डी ए गलत है लेकिन अर सही है उत्तरा आ ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है अशोक के आदेशों में लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया गया है और वे धार्मिक भक्ति के बजाय समानता के विचारों को बढ़ावा देते हैं इसलिए कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है प्रश्न निम्नलिखित वस्तुओं का भारत में जन्म होने का क्रम क्या है सोने के सिक्के चांदी के सिक्के थ्री लोहे की हलचल फोर शहरी संस्कृति नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर चुने वन विकल्प ए थ्री फोर वन टू फोर फोर बी फोर फोर सी फोर वन टू थ्री फोर भारत में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम फोर थ्री टू और अन है सिंधु घाटी सभ्यता 200 और 200 हंड्रेड ईपू के बीच पहली बार दिखाई दी जो भारत में शहरीकरण की शुरुआत को चिन्हित करती है सबसे पहले ज्ञात लोहे की खच्चर लगभग 700 ईपू में गुरकपुर जिले के गनवारिया में पाई गई थी भारत में पहला प्रलेखित सिक्का सर्वी से सर्वी शताब्दी ईपू और नवी शताब्दी ईपू के बीच जारी किए गए पंचिहनित सिक्कों से शुरू हुआ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? वन मिर्च काटिका सुदरक वसुवंदु, वसुवंधु मुद्रा रक्षता विषकादत्त हर्षचारिता बानभट नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर चुने उत्तर 3 और फोर है बुद्धचरिता और वसुवंधु दोनों अशोगोष की रचनाएं हैं और मुद्रा रक्ष और विशाकादत भी एक ही लेखक की रचनाएं हैं इसलिए विकल्प का और गिर गलत है और विकल्प डट भी गलत है क्योंकि हर्षचार्य अशोगोस की रचना नहीं है चलो प्रश्न को देखते हैं अशोक के प्रमुख चट्टानों के आदेश जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें चट्टानों के आदेश शामिल हैं। विकल्प ए आई और विकल्प बी आई और विकल्प सी आई और विकल्प डी आई और अशोक की प्रमुख चट्टानों पर लिखी हुई आज्ञाओं में संगम राज्य का उल्लेख है जिनमें द्वितीय और तृतीय आज्ञाएं हैं। द्वितीय आज्ञा में चोल पांडे सत्यपुत्र केरलापुत्र और तामपन्नी के दक्षिणी राज्यों का उल्लेख है जबकि तृतीय आज्ञा में पांडे राजा के साथ साथ इसी राज्य का भी उल्लेख है उदाहरण के लिए यूनानियों कुशानों और शकाओं में से कई ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि विकल्प ए उस समय बौद्ध धर्म बढ़ रहा था विकल्प बी उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग दिया था विकल्प सी जाति निरपेक्ष हिंदू धर्म ने उन्हें आकर्षित नहीं किया विकल्प डी बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज तक पहुँच को आसान बना दिया ग्रीक कुशान और शका ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म पर जाति व्यवस्था का बहुत प्रभाव था जिसे वे अप्रिय पाते थे प्रश्न पुलकित प्रथम की बदमी की चट्टान पर अंकित शिलालेख का तिथि शकेर 465 है यदि विक्रम संवत में भी यही तिथि दी गई होती तो वर्ष होगा विकल्प ए सिक्स विकल्प बी थ्री हंड्रेड विकल्प सी फिव डी विकल्प डी फोर्टी सेवन उत्तरा बदमी की, की चट्टान पर अंकित शिलालेख साका युग में साकायर के रूप में है इस तारीख को विक्रम युग में परिवर्तित करने के लिए हमें साका युग की तारीख में विक्रम युग की शुरुआत का वर्ष सेवन एट ईस्वी जोड़ना होगा इसलिए विक्रम युग की तारीख सेक्शन वन होगी चलो प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था विकल्प ए चतुर्वेदी मंगलम विकल्प बी परिषद विकल्प सी अष्ट दिग्गजा विकल्प डी मनीग्राम मणिग्राम प्राचीन भारत में विशेष रूप से दक्षिण में 10वीं से 12वीं शताब्दी में पश्चिमी चालु के शासकों के समय में व्यापारियों का एक निगम था मनीग्राम शब्द संस्कृत शब्दों मनी से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्वेल और ग्रामा जिसका अर्थ है गांव और इस प्रकार शाब्दिक रूप से ज्वेल गांवों का अर्थ है इन गिल्डों का गठन व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था जिन्होंने अपने संसाधनों को एक साथ रखा और बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए एक साथ काम किया चलो प्रश्न देखते हैं गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था विकल्प ए रूप का विकल्प बी दिनार, विकल्प डी पन्ना गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूप का कहा जाता था एक रूप का एक सोने के सिक्के के बराबर था या इंगित करता है कि गुप्ताओं के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित मौद्रिक प्रणाली थी जिसमें चांदी और सोने के बीच एक निश्चित विनिमय दर थी महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्तव अवलोकितेश्वर को विकल्प ए वज्रपानी विकल्प बी मैजूश्री विकल्प सी पद्मपानी, विकल्प डी मैत्रेय के नाम से भी जाना जाता है उत्तरा पद्मपनी अवलोकेश्वर को महायान बौद्ध धर्म में पद्मपनी भी कहा जाता है जिसका अर्थ संस्कृत में लोटस का धारा या विश्व का प्रभु है यह नाम अवलोकेश्वर की एक बोधिसत्व के रूप में भूमिका को उजागर करता है जो सभी बुद्धों की करुणा को व्यक्त करता है और मुख्य धारा के महायान बौद्ध धर्म में सम्मानित है प्रश्न निम्नलिखित मानचित्र प्राचीन भारत में मौजूद 16 महाजन पदों में से चार को दर्शाता है क्रमशः ए बी सी और डी चिन्हित स्थान है विकल्प ए वट्या सेदी, कोसला, अंगा, विकल्प बी सुरसेना अवंती मत्सा मगधा विकल्प सी मत्सा अवंती मत्सा अंगा विकल्प डी सुरसेना सेदी कोसला मगधा उत्तरा मत्स्य अवंत वत्स, अंगा, प्राचीन भारत के 16 में से चार का स्थान इस मानचित्र पर दिखाया गया है मत्स्य महाजन पद वर्तमान जयपुर भरतापुर अलवर क्षेत्र में स्थित है अवंत सबसे महत्वपूर्ण महाजन पदों में से एक था और इसका मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन जिले में स्थित है कु में अपनी राजधानी के साथ वत्स एक और महाजनपद था जिसे बाद में राजस्थान के महादेव अंगजना ने अपने साथ जोड़ा चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है विकल्प ए कलसी विकल्प बी रूमे विकल्प सी विशेष कलिंग आदेश विकल्प डी मस्की मस्की आदेशों के अनुसार अशोक का व्यक्तिगत नाम मस्की गा नेत्र और उदयगुलम शिलालेखों में उल्लेख किया गया था ये शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए और मौर्य काल के हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अशोक के आदेश पूरे मौर्य साम्राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित हुए थे चलो प्रश्न को देखते हैं नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है विकल्प ए उपनिषद विकल्प बी उपनिषद विकल्प सी का विकल्प डी केनोपनिषद में है नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख हिंदू धर्मग्रंथ ग्रंथ काटोपानिषद में किया गया है जिसमें नचिकेता ने यमराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे और उनकी बातचीत के माध्यम से नचिकेता ने ब्रह्मांड के रहस्यों और आत्मा की प्रकृति को समझने की कोशिश की चलो प्रश्न देखते हैं प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाय से बाएं लिखी जाती थी विकल्प ए ब्राह्मी विकल्प बी नंदनागरी, विकल्प सी शारदा विकल्प डी खरोस्ती लिपि को एटी थर्टी में जेम्स प्रिंसअप ने इंडो ग्रीक काल के द्विभाषी सिक्कों का उपयोग करके खोला था इसलिए खरोस्ती लिपि को खोले जाने के बाद अशोक के आदेशों को पढ़ा गया जिनमें से कुछ खरोस्ती लिपि में लिखे गए थे अशोक पत्थर के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है विकल्प ए ये अत्यधिक पॉलिश है विकल्प बी ये मोनोलिथिक है विकल्प सी स्तंभों का शाफ्त आकार में संकीर्ण है विकल्प डी ये वास्तुशिल्प संरचनाओं के हिस्से हैं अशोक पत्थर के स्तंभों का उद्देश्य किसी भी वास्तुशिल्प संरचना का हिस्सा नहीं था बल्कि वे पूरे भारत और उससे परे धम्म या बौद्ध शिक्षाओं के संदेश को फैलाने के लिए थे प्रश्न प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा अपने पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को तलाक देने की अनुमति देता है विकल्प ए कामसूत्र, विकल्प बी मनवधर्म शास्त्र विकल्प सी सुखरानीति सार विकल्प डी अर्थशास्त्र उत्तरा पति द्वारा त्याग की गई पत्नी को तलाक देने की अनुमति देने वाला ग्रंथ अर्थशास्त्र है जिसे कौतुक ने लिखा है इस ग्रंथ में तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में पति द्वारा त्याग की गई पत्नी के लिए तलाक को कानूनी विकल्प के रूप में मान्यता दी गई थी चलो प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गुप्ता काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है विकल्प ए सौमिल्ला विकल्प बी सुद्रका, विकल्प सी सोना का विकल्प डी सुश्रुता सुश्रुत को प्राचीन भारत में चिकित्सा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है सुश्रुद संहिता में चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जिसमें सर्जरी शरीर रचना और फार्माकोलॉजी शामिल है चलो प्रश्न को देखते हैं प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अन्य तीनों की श्रेणी से संबंधित नहीं है विकल्प ए कुला विकल्प बी वामसा विकल्प सी कोसा विकल्प डी गोत्र प्राचीन भारतीय समाज में कुला वामसा और गोत्र शब्द परिवार और रिश्तेदारी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते थे जबकि कुला एक कुल या वंश का उल्लेख करता था वामसा का अर्थ परिवार या वंश समूह था जबकि गोत्र एक वंश या वंश का उल्लेख करता था जो महिला की रेखा के माध्यम से अपने वंश का पता लगाता था इन तीन शब्दों में कोसा वह है जो अन्य तीनों की श्रेणी से संबंधित नहीं है को सा एक खजाने या भंडार को संदर्भित करता है और इसका परिवार या रिश्तेदारी से कोई संबंध नहीं है प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य था वन तपस्या और आनंद की चरम सीमाओं से परहेज करना 2. वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता श्री अनुष्ठानों की प्रभावशीलता से इनकार करना पशु जीवन को चोट न पहुंचाना नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके उत्तर का चयन करें। उत्तरा बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों ने वेद के अधिकार और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठानों और बलिदानों के विचार को अस्वीकार कर दिया था और दोनों ही परंपराएं पशु बलिदानों का भी विरोध करती थी जो प्राचीन भारत में एक सामान्य प्रथा थी चलो प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है विकल्प ए थेगाथा विकल्प बी अकारंग सूत्र विकल्प सी सूत्रकृतांग विकल्प डी बृहत्ल सूत्र तेरीगाथा बौद्ध साहित्य का एक भाग है जैन साहित्य का नहीं यह बुद्ध की चाची थरीगाथा के कविताओं का संग्रह है और बौद्ध धर्म ग्रंथों के सबसे पुराने संग्रह पाली कैनन में पाया जाता है इसलिए विकल्प ए प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है दूसरी ओर विकल्प बी सी और डी सभी प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा है क्योंकि वे जैन पाठ पुस्तकों में उल्लेखित है और जैन दर्शन और साहित्य के महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं चलो प्रश्न को देखते हैं प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेख की गई नदी है विकल्प ए सिंधु विकल्प बी सुतुद्री विकल्प सी सरस्वती विकल्प डी गंगा उत्तरा प्राचीन वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेख की गई नदी सिंधु है प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में सिंधु नदी का अक्सर उल्लेख है सप्त सिंधु या सात सिंधु नदी क्षेत्र के माध्यम से बहती नदियों का एक समूह था और प्राचीन वैदिक धर्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी देवदासी की स्थापना के बारे में समाचारों में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा देखा गया विकल्प ए जगन्नाथ मंदिर पुरी विकल्प बी पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, विकल्प सी कांडारिया महादेव मंदिर खजुराहो विकल्प डी चौसठ योगिनी मंदिर बदे घाट देवदासी की प्रथा भारत के अनेक भागों में प्रचलित है परंतु यह विशेष रूप से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रचलित है जहां यह प्रचलित माना जाता है कि देवदासी की प्रथा की उत्पत्ति हुई थी प्राचीन भारतीय ब्रह्मांडीय विचारों के अनुसार चार योगों के चक्र का क्रम है विकल्प ए दोपारा कृता त्रता और काली विकल्प बी कृता दोपारा त्रता और काली विकल्प सी कृता त्रता दोपारा और काली विकल्प डी दोपारा त्रता त्रता और काली प्राचीन भारतीय ब्रह्मांडीय विचारों के अनुसार चार युगों युगों के चक्र का क्रम क्रमबद्ध क्रम त्रेत, द्वैत और काली है चोल काल के दौरान नटराज के कांस प्रतीकों में देवता को हमेशा इस प्रकार दिखाया गया है विकल्प ए आठ हाथ विकल्प बी चार हाथ विकल्प सी चार हाथ विकल्प डी दो हाथ चोल काल में नटराज के चार हाथों के साथ कास्ट किए गए कांस्य चित्रों में चार हाथों के साथ देवता को दिखाया गया है जो चोल मूर्तिकला का सबसे अच्छा उदाहरण है जो अपने जटिल विवरणों और सटीक शिल्पकारिता कारिता द्वारा विशेषता है नटराज के चार हाथ ब्रह्मांड के चार पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात सृजन संरक्षण विघटन और शाश्वत मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति का मार्ग है विकल्प ए ज्ञान विकल्प बी भक्ति विकल्प सी योग विकल्प डी कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है अर्थात कर्मों और कर्मों के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है क्योंकि मीमांसा धर्म में कर्म का महत्व है चलो प्रश्न को देखते हैं अनुवृत्त की अवधारणा की वकालत की गई थी विकल्प ए महायान बौद्ध धर्म विकल्प बी हिनायन बौद्ध धर्म विकल्प सी जैन धर्म विकल्प डी लोकयात स्कूल अनुवृत्त एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है छोटी प्रतिज्ञा या छोटी प्रतिज्ञा और जैन धर्म में अनुवृत्त पांच मुख्य शिक्षाओं या प्रतिज्ञाओं को संदर्भित करता है जिन्हें महावृत्त या महान प्रतिज्ञा से कम माना जाता है ये पांच प्रतिज्ञाएं अहिंसा अहिंसा असत्य गैर-चोरी, अपरिग्रह गैर स्वामित्व सत्य सत्य और ब्रह्मचारी पवित्रता है चलो प्रश्न को देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया शब्द का अर्थ है विकल्प ए भारतीय मुस्लिम की एक अच्छी किस्म विकल्प बी हाथी दांत विकल्प सी नित्य प्रदर्शन के लिए ग्रीक दरबार में भेजी गई युवतियां विकल्प डी मिर्च उत्तरा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिया शब्द का उल्लेख मिर्च के लिए किया गया है यवना भारतीय ग्रीक थे जो मिर्च के शौकीन थे इसलिए इसे यवन प्रिया के नाम से जाना जाता था चलो प्रश्न को देखते हैं अशोक को आमतौर पर उनके शिलालेखों के नाम से जाना जाता है विकल्प ए चक्रवर्ती विकल्प बी धर्मदेव विकल्प सी धर्मकीर्ति। विकल्प डी प्रियदर्शी अशोक का नाम जो कि उनके शिलालेखों में प्रचलित है प्रियदर्शी है यह शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की नामक गांव के पास एक चट्टान पर पाया गया था जो इस खोज से पहले अशोक के साथ देवनाम प्रिया का नाम जुड़ा हुआ था लेकिन यह इस शिलालेख की खोज तक नहीं था कि यह पुष्टि की गई कि देवनाम प्रिया प्रियदर्शी स्वयं अशोक के अलावा कोई नहीं था चलो प्रश्न देखते हैं गुप्ता काल के दौरान लिखे गए संस्कृत नाटकों में महिलाएं और शूद्र बोलते हैं विकल्प ए संस्कृत विकल्प बी प्राकृत विकल्प सी पाली विकल्प डी सौरासी उत्तरा गुप्ता काल में कुलीन वर्ग संस्कृत बोलता था जबकि स्त्रियां और सुद्रियां प्राकृत बोलती थी यह इस बात से स्पष्ट है कि संस्कृत नाटक में स्त्रियां और सुद्रियां प्राकृत में संवाद करती हैं, जबकि कुलीन वर्ग संस्कृत में संवाद करते हैं